नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। 40,000 जवानों का पहला बैच तैयार, पीएम मोदी ने की अग्निवीरों से बात। पानी, धरती और आकाश में दिखाएंगे जौहर। जल थल और गगन में हुंकार भरने के लिए भारतीय सेना के अग्निवीरों का पहला बैच तैयार है। सोमवार को पीएम मोदी ने 40,000 अग्निवीरों को संबोधित किया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना विलास क्रूज छपरा में फंसा, प्रशासन अलर्ट। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा में फंस गया। पानी कम होने की वजह से क्रूज को किनारे लाना मुश्किल हो गया। कुत्ता भी नहीं भौंका, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज। सोशल मीडिया पर अनिल विज के बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे कहते हुए दिख रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्री निकल कर चले गए, एक कुत्ता भी नहीं भौंका। लद्दाख की द्रास घाटी में 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में होगी और बर्फबारी। मोदी जी, योगी जी, हमें जहर की पुड़िया दे दीजिए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में महिला ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, इसे लेकर एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें महिला पीएम मोदी से जहर मांग रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के इस आदेश पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पीडीपी ने भी जाहिर किया गुस्सा। खबर चंडीगढ़ से है, कुत्ते को खाना खिला रही थी युवती, तेज रफ्तार थार ने रोंदा, दिल दिला देना वीडियो सामने आया है। युवती के परिजनों ने बताया कि उसके सिर में चोट आई है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरुग्राम में गौतस्करों का आतंक, पीछा करने पर बरसाए पत्थर, कई गाड़ियों में मारी टक्कर। गुरुग्राम में गौतस्करों ने पीछा कर रहे गोरक्षकों पर पत्थर बरसाए, भागने के दौरान कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। आखिरकार एक तस्कर पर काबू पा लिया गया है और 5 तस्कर फरार हो गए। बागतुई नरसंहार के आरोपी लालन शेख, आपको बता दें लालन शेख की मौत मामले में एक्शन, सीबीआई ने अपने 4 अधिकारियों को निलंबित किया। जोशीमठ संकट से आपको बता दें, जोशीमठ में संकट लगातार जारी। अब कल से लेकर अब तक 11 घरों में दरारें बढ़ी, जिनमें 2 बड़े होटल भी शामिल हैं। अलग अलग टीम जोशीमठ में भू धसाव को लेकर परीक्षण किया जा रहा है। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा करप्शन करने का बहाना है शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में प्रधानाचार्य के 755 पद, उप प्रधानाचार्य के 418 पद और सबसे ज्यादा शिक्षकों के 24,000 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती करने की बजाय सरकार ड्रामा कर रही है। जबलपुर के नवोदय स्कूल में सीनियर्स ने की जूनियर की जमकर पिटाई, 7 छात्र सस्पेंड। जबलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ सीनियर छात्रों ने 8वीं के एक छात्र को बुरी तरह से पीट दिया, वहीं मामले में सामने आने के बाद उन सीनियर छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम, 3 फीट जमी बर्फ, बिजली आपूर्ति भी हुई ठप। उदयपुर में 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 18 जनवरी तक रहेंगे बंद। प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए 8वीं कक्षा तक के निजी और सरकारी स्कूलों को 18 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया। खबर कर्नाटक से, बेलगावी में नगर निगम ने दिया फातिमा मस्जिद को बंद करने का नोटिस। कर्नाटक में बेलगावी स्थित फातिमा मस्जिद पर कुछ हिंदू संगठनों को एतराज था, पिछले काफी समय से इस पर विवाद था। अब नगर निगम ने इस मस्जिद को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। मुंबई जाली नोट का इस्तेमाल करने के मामले में पेंटर गिरफ्तार। मुंबई मालवानी पुलिस ने एक 33 साल के पेंटर को जाली नोट बनाने का इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम हनीफ शेख है, जिसे पुलिस ने 200 रुपए के कुल 300 जाली नोट बरामद किए। नेपाल प्लेन क्रैश में सिंगर नीरा छंत्याल की हुई मौत। नेपाल प्लेन क्रैश हादसा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस भयानक प्लेन क्रैश में नेपाल की फेमस सिंगर नीरा छंत्याल की मौत हो गई। दिल्ली में 24 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, एलजी विनय सक्सेना की लगी मोहर। दिल्ली में पहले 6 जनवरी को मेयर चुनाव होना था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो सका। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।